तो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, जो अभी टाटा स्टील JET का भी रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जैसे कि आपको पता है। तो ये जो रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, और बहुत सारे लोगों के मन में जो डाउट था, बहुत सारे डाउट थे, तो ये डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर करूँगा। जैसे कि ये पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम कैसे होता है, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो कैसे होता है, फ़ोन से होता है, लैपटॉप से होता है, या फिर क्या हो, कैसे होता है। तो सारा कुछ आज के वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैंने लास्ट बार जो भी एग्ज़ाम था वो मैंने भी दिया था, इसलिए उसी के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बताऊंगा सारा कुछ आज के वीडियो में। और जो भी जो सिलेबस है रिगार्डिंग, मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, कल या परसों को इसका वीडियो भी आ जाएगा सिलेबस से रिलेटेड, इसलिए आप लोग वेट कीजिए। और बहुत सारे लोग अपना, मतलब कि मुझे अपना नंबर मांग रहे थे कि आपका नंबर दो, तो मैं आपको बता देता हूँ, नंबर तो मैं नहीं दे सकता आपका फ़ोन नंबर। आप हमसे अगर पर्सनली बात करना चाहते हैं या मैसेज के थ्रू, तो आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज करना, पर्सनल DM, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम का जो ID है वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो में मैं ये भी टॉपिक को कवर करूंगा कि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट था कि मैकेनिकल प्रोडक्शन वाले एंड ऑटोमोबाइल वाले एलिजिबल है कि नहीं, वो मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये भी बताऊंगा। और जो भी लेटर एंट्री वाले लोग भी एलिजिबल है या नहीं, तो ये भी बताऊँगा। इसलिए आप लोग वीडियो में अंत बने रहिए। चलिए फटाफट से आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो सब्सक्राइब, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना यार। आप लोग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैंने एनालिटिक्स में चेक किया तो आप लोग 96% लोग हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं किया। क्या कर ले यार, सब्सक्राइब कर लो। तो मैं बात करना चाहूँ कि सबसे पहले कि एग्ज़ाम किस तरह से होता है ऑनलाइन, क्योंकि अगर पहले की बात करूँ, 2-3 साल पहले का, जो भी कोरोना काल से पहले का बात करूँ, तो वो अपने घर से लैपटॉप से एग्ज़ाम देते थे ऑनलाइन ही थ्रू। बट अब जो है, पिछला साल से मैंने लास्ट ईयर दिया था, तो वहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, मतलब कि जो भी CBT हुआ था, सेंटर वो दिया गया था, और आप जैसे CBT मोड पे एग्ज़ाम देते वैसे ही एग्ज़ाम दे कर देना है, ना कि घर से अपने लैपटॉप से। ऐसा आप भ्रम में मत रहिए कि अपने घर पे एग्ज़ाम दोगे, ये नहीं होता है। आपको सेंटर पे जाना है, और जो भी CBT मोड पे एग्ज़ाम होता है उसी तरह का एग्ज़ाम होगा। ये जो लेटर एंट्री वाले एलिजिबल है या नहीं, तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि लेटर एंट्री वाला जो भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप लोग कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन में वैसे अगर कुछ रहता है तो आप लोग को लिख देता कि लेटर एंट्री नॉट एलिजिबल, ऐसा कुछ देता, बट यहाँ पर वैसे कुछ नहीं, इसलिए आप लोग अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और बात करूँ मैकेनिकल में जो भी प्रोडक्शन वाले हैं, ऑटोमोबाइल वाले हैं, तो वो लोग अप्लाई करें या ना करें, तो मैं उनको बता दूँ कि वो लोग अप्लाई मैकेनिकल में करना चाहते हैं, तो ऐसा मैं बता दूँ कि देखो, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस टाइम आपको प्रॉब्लम करेगा। ऐसे तो आप लोग अप्लाई करोगे तो कर दोगे, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको ये कहीं ना कहीं आपको अपन प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन में नहीं है ऐसे इसके बारे में। तो इसलिए आप लोग देख लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ। कल या परसों मैं सिलेबस से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मेरा वीडियो आप तक पहुँच जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।